वो आदमी, मैं दावे के साथ कहता हूं वो आदमी नेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन मसला तो यह है कि आदमी को मौत का खौफ ही नहीं। कोई आदमी को, किसी को मौत का खौफ नहीं। आदमी समझता है चलिए अभी तो जवान है, बूढ़े होंगे तब मरेंगे, बिस्तर पकड़ेंगे तब मरेंगे, तब मौलाना कहेंगे तो अमल कर लेंगे। अभी मौलाना को चिल्लाने दो। हजरत आपने देखा होगा नौजवान बच्चा घर से जा रहा है, बाइक लेके जा रहा है, मुस्कुराता हुआ जा रहा है, गाता हुआ जा रहा है, अचानक पांच मिनट में खबर आती है कि फलां का इंतकाल हो गया। क्या हुआ भाई? का एक्सीडेंट हो गया। मौत बुढ़ापा नहीं देखती है, मौत जवानी नहीं देखती है, मौत बचपना नहीं देखती है। मौत जब आती है तो कुरान कहता है फैजा जा अजलहु ला यस्ताखिरूना सातं वला यस्तक़दिमून। जब मौत आती है न एक मिनट जल्दी करती है न एक सेकंड लेट करती है। बात समझ में आ रही है? मौत न एक सेकंड जल्दी आती है न एक सेकंड लेट। इंडिया की ट्रेन नहीं है कि 4 बजे टाइम है, रात के 12 बजे आ रही है। ठीक है, ये मौत है। मौत को याद करो, 2400 घंटा जलसा में आओ तो फिर इंशाल्लाह जलसा से कुछ लेके जाओगे। आज भाई भाई में इख्तलाफ, आज पड़ोसी पड़ोसी में इख्तलाफ, क्यों भाई? क्या बात है? जगह जगह लोग परेशान, एक एक गांव में चार चार पार्टियां। मुसलमानों आपने अपना क्या हाल बना रखा है? अभी ईद, 4 दिन पहले ईद का दिन गुजरा है। मुसलमान रोजे से दूर, मुसलमान नमाज से दूर, मुसलमान जकात देने से दूर, दौलत हज से दूर, पड़ोसी का हक अदा करने से दूर, माँ बाप की नाफरमानी से करीब, और कहता है मैं मुसलमान हूं। शर्म नहीं आती है आपको ऐसा कहते हुए? आप अपना मकान अच्छा बना रहे हो, अपनी दुकान अच्छी सजा रहे हो, दौलत को इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन दीन से दूर होते जा रहे हो। क्यों? इसलिए कि तुम उलमा से दूर होते जा रहे हो। अगर दीन सीखना है तो अपने मस्जिद के इमाम से करीब हो, वो तुमको दीन सिखाएगा। अगर दीन सीखना है अपनी जमात के उलमा से करीब हो, वो तुम्हें दीन सिखाएगा। अगर दीन सीखना है तो इल्म वालों से करीब हो, तो दीन सीखोगे। और जलसे का मकसद सिर्फ दीन सीखना है। हक है, हक है। बोलिए जलसे का मकसद क्या है? बहुत अच्छे। दीन सीखना है, ये जलसे का मकसद है। आप मदरसा जाकर दीन नहीं सीखते हो, आपको शर्म आती है मदरसा में जाकर पढ़ने के लिए। इसलिए एक सिस्टम बनाया गया कि अगर बच्चे मदरसा में कम उम्र के जमाने में मदरसा में रहकर दीन सीखेंगे तो बच्चे के बाप जो अभी तक अनपढ़ हैं उन्हें रात में जलसे के नाम पर दीन सिखाया जाए। बेशक, यही तो जलसे का मकसद है। हक है। बोली है कि नहीं? बिल्कुल। अगर मैं सच्ची बात कह रहा हूँ तो पूरा मजमा हाथ उठा के मेरी तायीद करे। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए सोच के बैठिए कि हमें कुछ सीखना है, और सीखने की कोशिश वही करता है जो 2400 घंटा मौत को याद करता है। जो मौत को याद करेगा वो कभी शराब के करीब नहीं जाएगा, जो मौत को याद करेगा वो चोरी के करीब नहीं जाएगा। उसको पता है चोरी करके क्या करूंगा, मरना माल ही रह जाएगा। जो मौत को याद करेगा वो किसी की भी जमीन को हड़प करने की कोशिश नहीं करेगा, उसे पता है मैं मर जाऊंगा जमीन अपनी जगह पर पड़ जाएगी। जो मौत को याद करेगा वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा। जो मौत को याद करेगा वो मस्जिद में दाखिल होगा, मस्जिद का नमाजी बनेगा। जो मौत को याद करेगा रमजान की कद्र करेगा, रोजा रखेगा। जो मौत को याद करेगा माँ बाप का फरमा बरदार होगा। जो मौत को याद करेगा वो नेकियों से करीब रहेगा, और जो मौत को भूल जाएगा वो बुराई के अड्डे में फंस जाएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, यही वजह है रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, आयशा सिद्दीका है, मेरे आका फरमाते आयशा मौत को कम से कम, हुजूर फरमाते मौत को कम से कम दिन भर में 20 मर्तबा याद करो। सुभान अल्लाह। बोलिए कितनी मर्तबा मौत को याद कीजिएगा दिन भर में? आयशा दिन भर में कम से कम 20 मर्तबा मौत को याद करो। माँ आयशा सिद्दीका बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह
20 मर्तबा मौत को याद करें तो क्या फायदा है। आका एक करीम इरशाद फरमाते हैं, आयशा जो बंदे मोमिन दिन भर में 20 मर्तबा मौत को याद करता है वो जैसे भी मरे लेकिन कयामत के रोज जब वो उठाया जाएगा तो परवरदिगार आलम उसे शहीदों के सब में जगाएगा। ये फरमाया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर। बहुत अच्छी गुफ्तगु हो रही है, सुभान अल्लाह। मौत को याद करोगे तो गुनाहों से दूर रहोगे, मौत को याद करोगे तो नेकियों के करीब रहोगे, मौत को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर सुधार पैदा होगा, गुनाह से बचोगे। जिसके नाम का आपने जलसा किया है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, आप जानते हैं कितनी मर्तबा याद करते थे, जानते हैं उनका आलम क्या था। जब ईद के दिन पूरे गिलान के लोग नया लबास पहनकर निकले थे ईदगाह की तरफ, दुनिया ने गौसे आजम को देखा था, क्या ईद के दिन भी आंसू बहा रहे हैं। किसी ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी ये ईद का दिन है, आंसू बहाने का ये दिन नहीं है, ए अब्दुल कादिर जिलानी ये दिन रोने का नहीं है, ईद का दिन नहीं, ईद का दिन। तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ये ईद का दिन तुम्हारे लिए होगा, ईद का दिन और किसी के लिए होगा, लेकिन अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन तो वो दिन होगा कि जब अब्दुल कादिर के जिस्म से रूह परवाज कर रही हो और अब्दुल कादिर इस हालत में हो कि उसका ईमान सलामत रहे, रूह निकल जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे। अब्दुल कादिर मोमिन बना रहे, हालत ईमान में रहे और उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाए तो उसके बाद वाला दिन अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन होगा। क्या बात है, कहां हैं आप, बहुत खुशी मना ली आप, बड़ा उमदा लबास आपने पहना। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों कहां आप खो गए हो, हजार गुनाह करते हो एहसास नहीं होता, फिर भी यही गौसे आजम है। सुनो खाना एक काबा है, क्या है बोलिए, और गिलाफे काबा से मुत्तसिल एक बंदा औंधे लेटा है, कैसे लेटा है, मुंह नीचे पीठ ऊपर, और रब की बारगाह में दुआ करता है कि मौला ऐ मेरे करीम रब तुम मेरे गुनाहों को माफ फरमा। क्या दुआ करता है, मेरे करीम रब मेरे गुनाहों को माफ फरमा, और फिर कहता है दर्दनाक आवाज में, ए अल्लाह अगर मेरे लिए तेरी बारगाह में माफी नहीं आए तो मौला मुझे कयामत के मैदान में अंधा बनाकर उठाना, मेरे रब मुझे कयामत में अंधा बना के उठाना। उसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर हाजियों के कदम रुक गए, तवाफ करने से हाजी ठहर गए, कदम रुक गए, हर आंख आंसू बरसा रही है। आज खाने काबा के वसीयो अरीब सहन में हर मर्द हाथ उठाकर दुआ करता है, मौला इसकी दर्दनाक आवाज ने हिला के रख दिया, हमें रोला के रख दिया है, ये अल्लाह को इसकी मगफिरत फरमा। दुआ करने वाले दुआ किए, उसी में किसी ने कहा जरा इसे पलट के तो देखो ये रहने वाला कहाँ का है, किस आबादी से ताल्लुक है, इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, तारीख बताती है। जब उसे पलटा गया तो दुनिया ने देखा वो कोई और नहीं था, हुजूर गौसे आजम थे जो ऐसी दुआ। बहुत अच्छे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन आपको क्या हो गया है, गुनाह करते हो एहसास तक नहीं होता, जुर्म करते हो एहसास तक नहीं होता। हजरत जलसा कराओ, नाते सुनो, मनकबत भी सुनो, तकरीरें भी सुनो, लाखों खर्च भी करो, लेकिन जलसों से फायदा हासिल करो। जलसा कराते हो तो मस्जिदों को भी आबाद करो, जलसा कराते हो नमाजी भी बन जाओ, जलसा कराते हो माँ बाप के फरमा बरदार भी बन जाओ, जलसा कराते हो तो पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक भी करो, अरे जलसा कराते हो तो मोमिन एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ। बात है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, अरे मुख्तलिफ हो तो मरो शोर मचाते। क्या बात है, जगह जगह इख्तलाफ,
एक भाई दूसरे के लिए नहीं, और अखलाक तो इतने गिर गए, इतने गिर गए अखलाक, जबकि रसूल करीम की बारगाह सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए हम में सबसे बेहतर कौन है? कौन पूछ रहे हैं बोलिए? सहाबा, हुजूर हम में सबसे बेहतर कौन है? तो नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। क्या बात है! पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले अगर आपको भी मेरी बात अच्छी लग रही है हाथ उठाओ बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या कहा? तुम में जिसके अखलाक सबसे अच्छे। अखलाक के मामले में हम पीछे, किरदार के मामले में हम पीछे, इबादत के मामले में हम पीछे, तिलावत के मामले में हम पीछे, अच्छाइयों के मामले में हम पीछे। नाम तो इतना बदनाम कर चुके हैं कि कहीं भी कुछ हो कोई करे लेकिन आपका नाम आता। जैसा आज से 8, 10 या 20, 15 साल पहले कहते हैं मुंबई में चूहा मर जाए तो लोग दाऊद इब्राहिम की याद करते थे कि उसने मार दिया। आज कोई जुर्म कोई करे नाम मुसलमान। क्यों? तुमने अपने अखलाक को बिगाड़ लिया, किरदार खराब कर लिया तुमने। जुर्म पे जुर्म तुम करते हो लेकिन टारगेट इस्लाम होता है। हजरत इस्लाम तो वो पाक और पवित्र मजहब है कि मजहब इस्लाम की शान यह है अखलाक सुधारो। दिल्ली की जमीन है, बोलो कहां की जमीन है? दिल्ली की जमीन है। वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं है, दिल्ली की जमीन है। निजामुद्दीन औलिया की जात मौजूद है। गवर्नमेंट का एक हुक्म हुआ कि दिल्ली में पानी की किल्लत एक काम करते हैं, किसी एक को अमीर चुनते हैं, किसी एक को प्रेसिडेंट चुनते हैं और उसकी सरपरस्ती में, उसकी सरबराही में एक पानी का टैंक रखा जाएगा, पूरा दिल्ली उससे सैराब होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सर जी? इजाजत मोहम्मद अली भाई, माशाल्लाह, बैठ जाइए। देखिए कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, आज आप गौर करना मेरी बात को, मैं वाकया सुनाने के हक में बिल्कुल नहीं रहता हूं। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। हजरत आज आप खड़े होते हो तो आपके मुखालिफत में 10 लोग आपके अपने खड़े हो जाते हैं। आप सरपंच में खड़े हुए हैं, 10 लोग आपके अपने आपके मुखालिफत, आपके मुखालिफत पे खड़े हैं। आप वार्ड मेंबर हैं गांव के, 50 लोग आप ही के घर के वाले आपके मुखालिफत में। क्यों? आपके अखलाक अच्छे नहीं है, आपका किरदार अच्छा नहीं है, आप ढंग से इंसाफ नहीं करते हैं, आप बेइंसाफी कर रहे हैं। क्यों बेइंसाफी कर रहे हैं? क्यों आपके अखलाक बिगड़ गए? इसलिए कि आप दीन से दूर हैं, इस्लाम से आप दूरी अख्तियार कर रहे हो, उलमा से आप दूरी अख्तियार कर रहे हो। जो दीन से करीब होता है उसके अखलाक भी उतने अच्छे होते हैं, उसका कैरेक्टर उतना अच्छा होता है, उसकी जिंदगी उतनी अच्छी होती है, उसकी बंदगी भी उतनी ही अच्छी होती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया हयात से हैं। गवर्नमेंट ने कहा पानी का एक टैंक वहां बनाओ और गाड़ी आएगी, पानी लोड वहां, अनलोड वहां होगा, वहां से पानी पूरे दिल्ली में बांटा जाएगा। लोगों ने कहा ऐसा आदमी कौन चुनेगा? गवर्नमेंट ने कहा कि तुम ही लोग चुन लो, इलाके वाले चुने। जो खड़ा हुआ उसके मुखालिफत में 10-20 आदमी तरह के, ये आदमी हमें पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। इतने में अचानक हजरत निजामुद्दीन औलिया की हाजिरी हो गई। सुभान अल्लाह। जब निजामुद्दीन औलिया आए हैं, अरे अपने तो अपने, गैर भी हाथ उठा उठा कर कहते हैं अगर हम किसी को सरबराह मानेंगे, अगर किसी को यहाँ का प्रेसिडेंट मानेंगे तो कोई और नहीं, ये निजामुद्दीन औलिया है, हम सब इन्हें मानते हैं। क्या बात है, बहुत हुक्म इनका चलेगा। लोगों ने महबूबे इलाही से गुजारिश किया हुजूर आप ले लें इसकी, आपने कबूल फरमाया। खड़े होते थे निजामुद्दीन औलिया, लोग लाइन लगाकर पानी लिया करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया हजरत निजामुद्दीन औलिया खड़े हैं, देखा कि एक औरत दूर में खड़ी है। वो औरत कोई मुसलमान औरत नहीं थी, काफिरा थी। बोलो क्या थी? काफिरा थी। अल्लाह के वली ने अपनी विलायत की नजर से दूर से उसे पहचान लिया और वहीं से आवाज दिया, मेरी बेटी, ए बेटी, करीबा। औरत करीब गई,
कहा कि ए बेटी ला मटका दे मेरे हाथ में। अल्लाह के वली ने अपने हाथ में मटका लिया, पानी भरा, उस औरत के हवा लेकर कर हजरत निजामुद्दीन इरशाद फरमाते हैं, बेटी जब कभी पानी की जरूरत पड़े तो आ जाना। इतना सुन्नत था, उसके सब्र का पैमाना छलक गया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, जारो कतार रोने लगी, हिचकियां बन गई। कहती है मेरे आका बाबा बाबा मैं आ नहीं सकती हूँ पानी लेने के लिए, मेरा घर फलाना जगह है, इतनी दूरी पे मेरा घर है, मेरे बाबा मैं यहाँ पानी लेने नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरा शौहर अपाहिज है, 24 घंटे उसको मेरी जरूरत पड़ती है, पानी के एक कतरे के लिए मैं तड़पती हूँ बाबा, लेकिन पानी लेने में नहीं आ सकती हूँ। हजरत निजामुद्दीन को इतना कहकर रोते रोते वो काफिरा औरत चली जाती है। रात का सन्नाटा तारी होता है, मुसल्ला बिछाते ही निजामुद्दीन औलिया रात भर इबादत करते रहे, हत्ता की इबादत करते करते जब पूरा दिल्ली सो गया, मुसल्ले इबादत से उठे हैं निजामुद्दीन औलिया, दो मटका उठाया, दोनों में पानी भरा, अपने कंधे पे लिया, रात के सन्नाटे पे उसका फेरा औरत के मकान की तरह अल्लाह का ये वली चलने लगा, मकान के करीब पहुंचे, दोनों मटका नीचे उतारा, उसके दरवाजे के सामने रख कर वापस हो गए। सुबह का सवेरा क्या नमूदार हुआ, औरत ने दरवाजा खोला, पानी के दो मटके देखकर हैरान में पड़ जाती है, ताज्जुब में मुब्तला हो जाती है, ये कौन है जो इतना करीम है, इतना मेहरबान है मुझ पर, ये कौन है जो मुझ पर इस कदर मेहरबानी कर रहा है। उसके दिलो दिमाग में अजब तरह के ख्यालात आने लगे, वो काफिरा थी, अपनी देवियों के बारे में सोचने लगी, अपने देवताओं के बारे में सोचने लगी। पहला दिन पहली रात गुजरी, फिर दूसरी रात निजामुद्दीन ले गए, फिर रख दिया, औरत ने दूसरी सुन फिर दो मटका पानी का देखा तो औरत को ताज्जुब होने लगा कि कल भी दो मटका आज भी दो मटका। औरत ने इरादा कर लिया, आज तो पकड़ के रहूंगी, कौन आता है। पूरी रात दरवाजे पे खड़ी रहे, रात के तीसरे पहर में जब निजामुद्दीन औलिया ने, जब महबूबे इलाही ने, जब इस कदर क्यों आप मुझ पे मेहरबानी कर रहे हैं, इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों हो रही है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जवाब सुनो, निजामुद्दीन औलिया इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं चाहता तो ये पानी का मटका अपने खादिम अमीरे खुसरू के हाथ भी तो भेज सकता था, अगर मैं चाहता तो ये पानी का मटका अपने खलीफा चिराग दहलवी के हाथ में भी तो भेज सकता था, अगर मैं चाहता तो दिल्ली के किसी नौजवान के हाथ में भी तो भेज सकता था। कहा बाबा फिर खुद क्यों लेकर आए और खामोश क्यों कराते हो, तो एक ही जवाब निजामुद्दीन औलिया ने दिया था, सुनो ये जो मैं पानी लाकर पहुंचाता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी राजी हो जाए, मेरा खुदा राजी हो जाए। तकबीर नारे रसालत साईं साहेब दावत फरीद अहमद साहब निजबाई सर जमीने बेवलपुर। क्या कहा कि मैं सिर्फ मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने खुदा और रसूल की रजा के खातिर ला रहा हूं। पूरा मजमा बोले किसके खातिर ला रहा हूं, अल्लाह और रसूल की रिजा के खातिर ये काम कर रहा हो। हजरत मोहतरम अब गौर से सुनिएगा, फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, ए बेटी किसी को मत बताना मैं रोजाना पानी ला दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मैं रोजाना पानी ला दूंगा। हजरत मोहतरम ये 2-4 मिनट की बात तो हुई थी, लेकिन जब वो अंदर जाती है उसका जो अपाही शौहर बिस्तर पे लेटा था, जब उसने देखा अपनी बीवी को, कहा कि तू किसी से बात कर रही थी, ये आवाज हल्की हल्की कहाँ से आ रही थी, और वो उसका शौहर था, उसे अपनी बीवी पे शक हो गया, वो कहने लगा तू कैसी औरत है रे, मैं तो तेरे बारे में अच्छा गुमान करता था, मैं तो कहता था तू मेरी शरीफ बीवी है, मैं तो कहता था तू मेरी नेक बीवी है, मैं तो कहता था तू मेरी इज्जतदार बीवी है, मैं तो कहता था कि तू पराए मर्द से कभी चक्कर नहीं चलाएगी, लेकिन तू क्या निकली, मैं अपाहिज क्या हो गया, तू गैरों से आंखें मिलाने लगी, मैं तबाह हुआ बर्बाद क्या हो गया, तू दूसरे मर्दों से मिलने लगी, तेरी गैरत को क्या हो गया, तेरी हया को क्या हो गया, तेरी शर्मो गैरत को क्या हो गया, अपने शौहर के रहते हुए दूसरों से आंखें मिला रही है, गाली गलूज करने लगा, तरह तरह से गालियां देता रहा, बीवी खड़ी रही रोती रही, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था बेटी ये राज राज रखना, किसी को ना बताना कि मैं पानी लेकर आता हूँ, गालियां सुनती रही। लेकिन जब उसने ये कहा बता वो कौन था, जब हजरत निजामुद्दीन की जाने वो गाली देने लगा, वो कौन था बोल, वो बदचलन कौन था, वो बुरा आदमी कौन था, इतना सुनना था। औरत ने जवाब दिया मेरे सरताज आगे गाली ना देना, आगे ना कोसना, गाली देना है मुझे तो उन्हें गाली ना दो, एक रात की मोहलत दो, मैं मुलाकात करा दूं। आहा,
जब दूसरी रात हजरत निजामुद्दीन पहुंचे हैं, औरत कदमों पे गिर कर कहती है, बाबा मैं आपकी बेटी हूं, मैं बाबा आपने मुझे बेटी माना है ना, आपने कहा है कि मैं जुबान बंद रखूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बाबा मैं आपके राज को राज नहीं रख सकती हूँ, बाबा फैसला तो आपको करना है, मेरा शौहर मुझ पर डाउट कर रहा है, शक कर रहा है, बाबा एक तरफ आपका राज है तो एक तरफ आपकी बेटी के आबरू का सवाल है, एक तरफ आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है, आपकी बेटी के नामूस का सवाल है, बाबा क्या करूंगी आप बताओ। निजामुद्दीन पूछते हैं क्या मामला है, औरत ने मामला बताया, निजामुद्दीन कहते हैं चल आगे आगे, वो आगे आगे जाती है, निजामुद्दीन पीछे पीछे जाती है, कमरे का दरवाजा खुला, निजामुद्दीन का चमकता चेहरा जब उसने देखा, देखने के बाद कहता है शरीके हया, ए मेरी शरीके जिंदगी, क्या यही थे जो बात करते थे, हाँ हाँ यही थे, यही है जो पानी लगकर दे रहे हैं, इतना सुनना था, अब गौर से सुनो, अपने अखलाक को अच्छा करो। वहां पर वो कहने लगती है, कहने लगता है शहर, ए मेरी बीवी, आज से तीन दिन पहले मैंने इन्हें एक मर्तबा ख्वाब में देखा था, जैसे ख्वाब में देखा तब से मेरा दाहिना हाथ काम करने लगा है, फिर एक रात और ख्वाब में देखा, जब दूसरी रात देखा तो मेरा बाया हाथ भी काम करने लगा, इतना सुनना था। हजरत निजामुद्दीन आगे बढ़ते हैं और उसके बदन पे हाथ का फेरा, जो लेटा था उठ के खड़ा हो गया, निजामुद्दीन औलिया के कदमों को चूमकर शौहर बीवी कहते हैं, ए निजामुद्दीन, अरे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ, नारे रसालत, करामते महबूबे इलाही, करामते निजामुद्दीन औलिया, नारे तकबीर। अब यहीं गौर से सुनना, कलमा पढ़ाया है महबूबे इलाही ने, मुसलमान बनाया है महबूबे इलाही ने, और कहने के बाद हजरत निजामुद्दीन कहते हैं, मेरे निजामुद्दीन इरशाद फरमाते हैं कि सुनिए, मेरे नबी का शान, नबी की शान तो देख, मुस्तफा की शान तो देखो, आका का मर्तबा तो सुनो, नबी कौनैन की मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तुमने इस्लाम लाया तो मेरे नबी की शान को भी तो जान ले, जानते हो ये दोनों एक जबान होकर निजामुद्दीन औलिया से क्या कहते हैं, ये महबूबे इलाही, आगे बात ना बढ़ाओ, हम समझ गए हैं, तब तो कलमा पढ़े हैं मोहम्मद का, हम जान चुके, तब तो कलमा पढ़े हैं मोहम्मद का, कहा तुमने क्या जाना, कहा निजामुद्दीन क्या इतना काफी नहीं है, हम तो समझ गए, अरे चाप दिल्ली के निजामुद्दीन के अखलाक इतने अच्छे हैं, तो मदीने के मुस्तफा के अखलाक कितने अच्छे होंगे, बहुत अच्छे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। हजरात तकरीबन 25 मिनट हो गया ना, 10 मिनट और, क्योंकि हिंदुस्तान के मशहूर शायर आपके सामने हैं, आज हमारे अखलाक अस्तगफिरुल्लाह, और हमारे घर का तो ये आलम है मोहम्मद अली भाई, आमिलों को आजकल उड़ीसा में बहुत तलाश किया जाता है, घर में बरकत नहीं है, फलाने घर में भूत रहता है, अबे है क्या भाई, ये कहे का भूत जी, कहे रहेगा आपके घर में भूत, जी नहीं, इंसान नुमा भूत रहते हैं, वो घर जिस घर में 2400 घंटे टीवी चालू है, घर के बड़े तो बड़े उनके बच्चों के हाथ में भी मोबाइल पे फहश गाने या तो कोई मेलोडी सेलोडी की गीत बज रही है, बरकत उस घर में आएगी। आज मेरी माँ से पूछो, बहन से पूछो, बेटी से पूछो, जो सच्ची बात बता कि मैं अपनी गुफ्तगु समेट रहा हूं सब भाई, पूछो अपने घर में जाके अपनी बहू से, पूछो अपनी बेटी से, पूछो अपनी बीवी से कि बोल बैबलपुर की मस्जिद में सुबह की अजान का वक्त क्या है, जमात का वक्त क्या है, मैं दावे से कहता हूं नहीं, जोहर का वक्त क्या है, अजान का क्या है, जमात का क्या है, मैं चैलेंज करता हूँ नहीं कह सकती है, असर का वक्त क्या है, मैं चैलेंज करता हूँ, ना मगरिब का ना ईशा का कोई पता नहीं, लेकिन यकीन से कहता हूँ, पूछो अपने घर में जाके शाम के 6 से लेकर रात के 11 बजे तक टीवी के किस चैनल पर कौन सीरियल देता है आपको बता देंगे, अगर सच बोलता हो तो हाथ उठाकर बोलो, किस टीवी के किस चैनल पर कौन सीरियल देता है, भैया अगर शौहर उस वक्त आ गया, भाई जरा चाय जल्दी से बना के लाना फटाफट, चाय बना के आपको यही वक्त मिलता है हमेशा चाय पीने के लिए, चाय बना के पीजिएगा, गैस है वहां पर बना लीजिए, जब बैठती हूँ सीरियल देखना तब चले आते हैं, जब बैठती हूँ तब चले आते, ये माहौल हो गया,
किसी का बच्चा रोता तो उठाकर औरतें, ये बच्चा इसी वक्त रोता है, नहीं कहती है, बोलो गलत बोल रहा हूं। और एक चीज मार्क कीजिएगा, जब लाइन उस वक्त कट गई ना, लाइन वाले के बाप माँ उसके 14 तबक को गाली देती है, 14 पुस्तक गाली देगी औरत लाइन वाले को। बोलो गलत बोल रहा हूं, न तिलावत है, न इबादत है, न कभी मुसल्ला बिछता है, न कभी कुरान की तिलावत होती है। तो बताओ तेरे बेटे वफादार कब होंगे? बता तेरी बेटी भागकर शादी न करे तो क्या रसूल पाक की सुन्नत को ढंग से अमल करेगी? तूने अपनी बेटियों के मिजाज को बदल दिया, अपनी औलाद के मिजाज को बदल दिया, तुमने अपने अखलाक को बदल दिया, अपने कैरेक्टर को बदल दिया, अपने किरदार को बदल दिया, अपनी जिंदगी को बदल दिया, बंदगी को बदल दिया, तुमने तो सब कुछ उजाड़ डाला, सब कुछ तबाह कर डाला। एक आज की औरत है लेकिन एक कल की औरत थी, हजरत गौर कीजिएगा, एक औरत कल भी थी, संजर की जमीन थी, तवज्जो के साथ सुनना। एक माँ बैठकर बर्तन धो रही थी, उसका एक 6 महीने का बच्चा बिस्तर पे पड़ा रो रहा था। माँ ने हाथ को जल्दी जल्दी सलाना शुरू किया ताकि बर्तन जल्दी धो ले, बच्चे को गोद लेकर दूध पिला सके, लेकिन बच्चा और तेज रोने लगा। माँ जितना हाथ तेज कर रही थी बच्चा उतना तेज रह रहा था, रो रहा था। इतने में माँ ने बर्तन वही छोड़ा, आगे बढ़ती है, अपने बच्चे को सीने से लगाया था माँ ने, और माँ सीने से लगा कर कहती है, मेरे लाल में जानती है तुम भूख से रो रहे हो, ए बेटे लो मैं तुम्हें अपना दूध पेश करती हूँ, अपना पिस्तान पेश करती हूँ, बेटा तू दूध पीना शुरू कर। इतिहास बता रहा है, तारीख बता रही है, माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर कहा, मेरे बेटे तुम मेरा दूध पियो। बच्चे तुम अभी 6 महीने के हो, अभी तुम्हें खाने पीने की दुआ याद रही है, ए बेटा तू दूध पी ले। तेरी माँ पढ़ती है बिस्मिल्लाह व अला बरकातिल्लाह, ए बेटा तू दूध पी ले। माँ ने दुआ पढ़ा और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट है, माँ बच्चे का चेहरा देख कर कहती है, ए मेरे लाल तू मेरा दूध पीता रहो, अरे कब तक तू दूध पीता रहेगा? मैं मोहम्मद पे दरूद पढ़ती रहोगे, मैं मुस्तफा पे सलाम पढ़ती रहोगे। तारीख उठा कर देखो वो बच्चा कौन था, वो माँ कौन थी। इतिहास बताता है अगर उस बच्चे का नाम, अगर उस माँ का नाम माए नूर बेगम है तो उसी के बेटे का नाम हजरत ख्वाजा करीम नवाज है। नारे रिसालत, ख्वाजा खजगान, साइंसा हिंदुस्तान, अजमेरी संजरी अताए रसूल। तो हजरत याद रखिएगा, जब माँ नेक होती है, जब माँ शरीफ होती है, जब माँ इबादत गुजार होती है, जब माँ तकवा शियार होती है, जब माँ शरीयत की पाबंद होती है, जब माँ नेक और सीरत मंद होती है तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है। माँ नेक होती है बेटा ताजी शरिया बनता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती आजम बनता है, माँ नेक होती है तो बेटा आला हजरत बनता है, माँ नेक होती है तो बेटा करीम नवाज होता है, और जब माँ इबादत गुजार तिलावत गुजार होती है तो बेटा गौसे आजम अब्दुल कादिर बनकर पैदा। तो हजरत मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जलसों में आते हो कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, जलसगा को तफरीगा ना बनाओ, दरसगा बनाओ, कुछ अमल करो। 2 मिनट में आखिरी बात, फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं, इस्लाम को और बदनाम ना करो। तुम्हारे अखलाक जब अच्छे होंगे लोग तुम्हारे अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल करेंगे। मुसलमानों के इमाम, जल्दी से बोलिए, किसके इमाम? नाम है इमाम आजम अबू हनीफा। गुजर रहे हैं रास्ते से, जुमा का दिन है, पांव कीचड़ पे पड़ा, यहूदी के दीवार पे छींटा पड़ा, देख लिया आपने, ऊपर गए छींटे को, मैं पूरा वाकया नहीं निचोड़ बोल रहा हूं, साफ किया अपने रुमाल से, छींटा साफ कर दिया और फिर यहूदी के दरवाजे पे दस्तक दिया। यहूदी ने अंदर से देखा मुसलमानों के इमाम इमाम आजम है, दरवाजा खोलना नहीं चाहा। क्यों नहीं खोलना चाहा? इसलिए नहीं चाहा कि इमाम आजम से 10,000 रुपया कर्जा लिया था, सोचा के मांगने आया। जब 3 मरतबा इमाम आजम ने आवाज दिया तो खोला, कहा कि हुजूर माफ कीजिएगा, मुसलमानों के इमाम मुझे माफ कर दो, मैंने 10 दिन की मोहलत ली थी लेकिन मैं नहीं दे पाया पैसा, मुझे और 10 दिन की मोहलत दीजिए। ठीक है, इमाम आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया, देखिए कितने अच्छे अखलाक थे हमारे बुजुर्गों के, कितने अच्छे अखलाक थे।
उनके अखलाक पर हजारों जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान उनके अखलाक पर। इमाम आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि देखो मैं पैसा लेने नहीं आया, फिर हुजूर गरीब के दरवाजे पे कैसे आना हुआ। इमाम आजम फरमाते हैं देखो वहां मेरी जूती पड़ गई, थोड़ा सा गड्ढा था, पानी का एक फव्वारा क्या उछला, एक कतरा तेरी दीवार पे गिर गया है और मैंने उसे अपने रूमाल से साफ कर दिया है, रूमाल से साफ कर दिया है और तुम्हें बता रहा हूं देखो मैंने साफ कर दिया है, तुम्हारी दीवार पे दाग लगाया था मैंने, मैं माफी चाहता हूं, मैं साफ कर दिया, मुझे माफ कर दिया। इतना सुनना था वो यहूदी आपके कदमों पे गिर के कहता है ए मुसलमानों के इमाम, अरे मेरी दीवार पे जो दाग लगा था आपने तो उसे साफ कर दिया, लेकिन मेरे दिल पे जो कुफ्र का दाग है अरे उसे भी तो साफ करके जाइए। इमाम आजम ने उसे कलमा पढ़ाया, इस्लाम को फैलाया अपनी अखलाक से। कलमा पढ़ने के बाद वो यहूदी बरजुस्ता कहता है मुसलमानों के इमाम आप कितने अच्छे हैं, आपके अखलाक कितने अच्छे हैं, और कहता है मेरे आका जब आपके अखलाक इतने अच्छे हैं तो आपके रसूल के अखलाक कितने अच्छे होंगे, आपके अखलाक इतने अच्छे हैं तो मुस्तफा के अखलाक कितने अच्छे होंगे। मेरे इमाम आप तो फुका के इमाम है, आपके अखलाक कितने अच्छे है, अरे वो तो रसूलों के इमाम है, वो तो नबियों के इमाम है, अरे वो तो 16 जहान के इमाम है, उनके अखलाक कितने अच्छे है। तो हजरात अपने अखलाक को अच्छा करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, किसी से किसी को तकलीफ तो दरगुजर करने की कोशिश करो, मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करो, मदरसों से जुड़ जाओ, उलमा के करीब हो जाओ, इमाम की तासीम करो, एक बनो नेक बनो, जिंदगी सलामत रही तो फिर इंशाल्लाह फिर मेरा और आपका सामना हुआ, यहीं से शुरू करूंगा।